हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं और आज इसके अंदर हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट आर्टिकल काफ़ी पुराना भी है लेकिन कुछ अपडेट्स हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं उनको हमने जो है सक्सेसफुली कुनो नेशनल पार्क के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। ये कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो कुछ टेक्निकल बातें हैं वो देखिए यहाँ पर, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि कुनो नेशनल पार्क के अंदर हम चीते जो है हमको लेकर के आने हैं, लेकिन इसको अभी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र या रिलोकेट जो है वो कर दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे चीते ये लोग लेकर के आए हैं, करीबन 8 चीते, जो फर्स्ट जो इनकी जो फर्स्ट जो चरण है उसमें 8 चीतों को लाया गया है, जिसमें फीमेल और मेल दोनों चीते हैं। और उसमें यहाँ नाम भी दे रखा है कि आशा नाम दिया गया है एक मादा चीते को। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। अब देखिए कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ कि चीता जो है एक तो सबसे फास्ट रनर एनिमल है, दूसरा चीता जो है ओल्डेस्ट बिग कैट भी है, ओल्डेस्ट बिग कैट, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ये जो एक्सटिंक्ट हुआ, विलुप्त हुआ, तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इकोसिस्टम में आपने प्रीडेटर्स पढ़े होंगे। तो प्रीडेटर्स जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में, प्रीडेटर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि टाइगर, लॉयन, ये आपका जो चीता है, ये सब प्रीडेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका विलुप्त होना उस इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए इनका दोबारा से रिलोकेशन किया गया है। तो अभी हम अफ्रीकन चीते को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि एशियाटिक जो चीता है वो हमारे यहाँ पर विलुप्त हो चुका है। अब देखिए विलुप्त हुआ था 1947 में, और 1947 में जब ये विलुप्त हुआ तो छत्तीसगढ़ में आखिरी चीते को देखा गया था, और 1952 के अंदर जो है सरकार ने नोटिफाई ही कर दिया कि अब जो है चीता यहाँ पर विलुप्त हो चुका है भारत में, ठीक है। तो ये तो थी चीते के बारे में बातें। प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है इसको वापस से रिलोकेट किया गया है, ये भी बात है। अब देखिए कि कुछ चीज़ें और देखते हैं कि चीता जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम देखिए, इसका साइंटिफिक नेम है एसोइनिक्स जुबेटस विनेशियस। अगर आप एशियाटिक चीते की बात करें तो एशियाटिक चीते का जो पूरा नाम है वो यही है, एसोइनिक्स जुबेटस विनेशियस। थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन नाम इसका ये है। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो साइट्स की जो सूची है, उसके अंदर इसको जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। यूपीएससी के हालांकि फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा जानवर किस कैटेगरी में है, हमारे आरएस में नहीं पूछते हैं इतना, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो क्या जाता है अपना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है, एशियाटिक चीते को, लॉयन निकल जाता है पता नहीं क्यों, एशियाटिक चीते को रखा गया है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है भारत का, उसमें इसको शेड्यूल्ड 2 के अंदर जो है वो रखा गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और IUCN की जो लिस्ट है, साइट्स की लिस्ट मैंने बता दी आपको, साइट्स जो है उसके अंदर तो इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, वो शायद मैंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोल दिया, वो नहीं है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और जो आपका IUCN है, IUCN जो है उसकी लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में, और जो आपका WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसको शेड्यूल 2 में रखा गया है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपका एशियाटिक चीता है उसको लेकर के। तो जो एशियाटिक चीता है उसके बारे में ये चीज़ें जो है टेक्निकल चीज़ें, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इसको यहीं लिख सकते हैं आप। अब चलेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में जो धर्मांतरित दलित हुए हैं उनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक पैनल को गठित करेगी सरकार। सरकार ने कहा है कि हम एक पैनल गठित करेंगे। तो जो भी लोग ईसाई धर्म में यानी क्रिश्चियन धर्म में और इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए हैं, जो दलित लोग थे जो परिवर्तित हुए हैं, उनकी स्थिति किस प्रकार की है उसको उसका स्टडी करने के लिए जो है हम एक दल का गठन करेंगे, एक पैनल का गठन करेंगे। वो जो पैनल जो है वो गठित हो चुका है, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो के जी बालकृष्णन हैं, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रहे हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी इस पे जो अध्ययन है उसके ऊपर चलते हैं कि आखिरकार बात क्या है। तो देखिए जो भी दलित लोग हैं, देखिए दलित जो जाति हैं उसको आप किस तरीके से नोटिफाई करते हैं कि भाई भूतकाल के अंदर उनके साथ में अनटचेबिलिटी होती थी, आज भी होती है, छुआछूत होती थी, और उनको धर्म जो समाज है उसके अंदर वो उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। तो कई सारे जो दलित लोग थे उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके वो जो है बुद्ध बने, बौद्धिस्ट धर्म के अंदर चले गए, या इस्लाम धर्म उन्होंने कबूल किया, या फिर जो है वो क्रिश्चियन धर्म के अंदर चले गए। तो देखिए सरकार ने जो भी दलित जो हैं वो जो अगर हिंदू कैटेगरी में है, या हिंदू धर्म से है, या बौद्ध धर्म से है, या फिर सिख धर्म से है, तो उन सबको उन्होंने जो है
उन इन तीनों कैटेगरीज में जो भी दलित आते हैं उन सबको जो है आरक्षण का लाभ दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो दलित, यानी कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हिंदुओं में कोई दलित है, SC कम्युनिटी में आता है, और अगर बुद्ध जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर कोई SC कैटेगरी में आता है, और जो सिख धर्म है उसमें कोई अगर SC कैटेगरी में आता है, इन तीनों को आरक्षण का लाभ मिलता है, ठीक है। ये तीनों नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन धर्म के अंदर SC में आता है और कोई इस्लाम धर्म के अंदर SC में आता है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन जाती है और पिटीशन में ये कहा गया कि भाई आपका जो SC का दर्जा आप देते हो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय में, किसी भी धर्म में, अगर आप SC का दर्जा दे रहे हो तो उसको धर्म तटस्थ कर दो, कि धर्म से उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कि SC का मतलब कि जिसके साथ में प्रताड़ना हुई, ये हुई, वो हुई, चाहे वो किसी भी उससे आता हो, हिंदू से आता हो, मुस्लिम से आता हो, कहीं से भी आता हो, तो उसको धर्म तटस्थ कर दो ताकि जो है उन लोगों को आरक्षण वगैरह का लाभ जो है वो मिल सके। सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके पीछे एक रीज़न था कि क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म के अंदर छुआछूत जैसी जो चीज़ें हैं, अनटचेबिलिटी, या फिर उनका कोई ऐसा पुराना इतिहास नहीं है कि भाई शेड्यूल कास्ट दलित लोगों के साथ में गलत जो है सामाजिक व्यवहार किया गया हो। हिंदुओं के अंदर आप देखते ही हैं, आज भी आप गांव में जाएंगे आपको दिख जाएगा कितनी प्रताड़ना होती है। उसके अलावा अगर आप देखें सिख धर्म में भी ये चीज़ है और बौद्ध धर्म में भी ये चीज़ है। तो अब देखिए ये कार्य कर कौन सकता है? संविधान किसको ये शक्ति देता है कि भाई किसी भी कैटेगरी को आप शेड्यूल कास्ट में डालिए, या फिर जो है शेड्यूल कास्ट से संबंधित कोई भी नियम वगैरह बनाना हो, तो वो शक्ति किसके पास है? तो सबसे बड़ी ये जो शक्ति है वो महामहिम यानी कि राष्ट्रपति को जो है वो संविधान ने दे रखी है। आप अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 341 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी जो जाति होती है उसको शेड्यूल कास्ट में नोटिफाई करवाने के लिए जो है वो सरकार को कह सकता है। तो इसी के तहत एक राष्ट्रपति जो है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था। ऑर्डर क्या है वो? उस ऑर्डर का नाम है अनुसूचित जाति आदेश 1950। इस आदेश के तहत जो है जितने भी SC कम्युनिटी हिंदू में, सिख और बौद्ध धर्म में आते हैं उनको SC यानी कि शेड्यूल कास्ट का जो है वो दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूल आदेश जो सरकार के द्वारा निकाला गया था, मूल आदेश में तो सिर्फ उन्होंने यही कहा, लेकिन उन्होंने जो है 1956 है, यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, 1956 के अंदर इन्होंने सिख को भी इंक्लूड किया कि सिखों के अंदर भी SC समुदाय होता है जिसको कि जो है इसमें हमको नामित करना चाहिए। 1990 में उन्होंने जो है बुद्ध जो समुदाय है, बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो तीन ही कम्युनिटी हैं जिनको कि इंक्लूड किया गया, भाई उन्हीं में जो है शेड्यूल कास्ट होती हैं, उन्हीं को माना गया है, जैसे कि एक तो हिंदू है, एक सिख है और एक बौद्ध है। आपको आदेश याद रहे तो ठीक है, वरना आर्टिकल 341 तो आपको ज़रूर से याद रखना है कि इसके तहत ये पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास में जो है ये पावर है कि वो इस तरीके से नोटिफाई कर सकता है, ठीक है। और पैनल का नाम याद रखिएगा, पैनल का नाम यहाँ नहीं दे रखा है, KG बालकृष्णन जो है उनके अध्यक्षता में इस पैनल को गठित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। और इसमें क्या चीज़ें हैं? तो देखिए, और इसमें एक चीज़ दे रखी है, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, मूल आदेश के तहत केवल हिंदुओं को ही SC माना गया था, 1956 और 1990 में बौद्ध और सिखों को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर देखिए कि एक जो हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने उस समय भाषाई जो अल्पसंख्यक होते हैं, भाषा जिनकी अल्पसंख्या में होती है, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी उन्होंने जो है एक नेशनल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। और उसके गठन करने के लिए उन्होंने एक जो है कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी का जो हेड थे वो थे आपके रंगनाथ मिश्रा। तो वो बहुत फेमस है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन के द्वारा जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए आयोग का गठन किया गया 2004 में। तो हमारे यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखिए, कई जैसे OBC के लिए अलग जो है कमीशन बना हुआ है, SC के लिए अलग, ST के लिए अलग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए अलग बना हुआ है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है क्योंकि इन पर क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये रंगनाथ मिश्रा पैनल जो है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका धार्मिक और जो भाषाई अल्पसंख्यक जो होते हैं, लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, उनके लिए जो है इसको गठित किया गया था। और तो इसमें कोई खास बात है नहीं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आर्टिकल 341 याद रखिएगा। बात क्या है मुद्दे की कि इस्लाम धर्म में और जो क्रिश्चियन धर्म में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको भी जो है वो रिजर्वेशन जो है वो दिया जाए, उनको भी जो है सारे बेनिफिट्स जो है शेड्यूल कास्ट के वो मिलने चाहिए, ये जो है इसकी मांग है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इजी है। जम्मू कश्मीर का एक गुजर मुस्लिम समुदाय से एक व्यक्ति हैं, उनको जो है राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है राज्यसभा में। आप जानते हैं कि आर्टिकल 80 कहता है, आर्टिकल 80 जो है वो कहता है संविधान का, आर्टिकल 80 में भी अगर आप देखें सबसेक्शन 3 वो ये कहता है
कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य जो है वो नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है राज्यसभा में, और एक करता है एंग्लो इंडियन को किसमें, लोकसभा में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि 12 जो लोग हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, उनका जो है आप जानते हैं कि 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, हो सकते हैं 250, लेकिन अभी कितने हैं, 245 है, और 245 में से 12 को नॉमिनेट किया जाता है। किस फील्ड से नॉमिनेट करते हैं ये भी आपको पता होगा, लिटरेचर यानी कि साहित्य से, विज्ञान यानी कि साइंस से, कला यानी कि आर्ट से, और यानी और एक लास्ट बचता है सोशल सर्विस। तो इन चार क्षेत्रों से जो है इनको नॉमिनेट किया जाता है या मनोनीत किया जा सकता है। तो देखिए 10 सदस्य ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं, उनके नाम आप अभी पढ़ लीजिएगा, और एक सदस्य जो है जो चर्चा में अभी हैं उनका नाम है गुलाम अली। क्या नाम है? गुलाम अली नाम है, और ये संभवतः पहली बार है जब कोई गुजर मुस्लिम समुदाय, जो कश्मीर का जो गुजर मुस्लिम समुदाय है ये काफ़ी मतलब अल्पसंख्या में ये समुदाय है, और इसमें से उन्होंने नॉमिनेट करके जो है उनको राज्यसभा में भेजा है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो नाम ध्यान रखिएगा आप कि हाल ही में किसको मनोनीत किया गया है, पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। और जो 10 सदस्य ऑलरेडी नॉमिनेट हैं उनका नाम देख लीजिए आप, गुलाम अली है, रंजन गोगोई हैं जो कि पहले CJA रह चुके हैं, डॉक्टर DV हेगड़े हैं, इलई राजा हैं, महेश जेठमलानी, डॉक्टर सोनल मानसिंह, वी विजेंद्र प्रसाद, राम शकल, राम राकेश सिन्हा, और श्रीमती पीटी उषा। तो आप जानते हैं कि ये स्प्रिंटर हैं, रनर हैं, एथलीट हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, और 2 एंग्लो इंडियंस को भी नॉमिनेट करते हैं, लेकिन हालांकि अभी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब वो नॉमिनेशन लोकसभा में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखिए जो IBM क्वांटम कंप्यूटिंग है उसमें IBM क्या है, पहले तो ये देखिए, IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में IIT मद्रास को जो है पूरे भारत में से पहला संस्थान है IIT मद्रास, उसको इन्होंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, और IIT वाले क्वेश्चंस तो बहुत पूछते हैं, तो इसलिए इसको स्टार लगा लीजिए कि हाल ही में IBM क्वांटम कंप्यूटिंग में शामिल होने वाला भारत का कौन सा ऐसा पहला संस्थान है, तो IIT मद्रास है जिसको कि शामिल किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसमें और क्या चीज़ें हैं, और तो इसमें बस यही है कि जो है यहाँ देखिए 180 से अधिक जो वैश्विक संगठन है उनका एक नेटवर्क है IBM क्वांटम नेटवर्क, उसमें से भारत का जो IIT मद्रास है उसको सेलेक्ट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर IIT मद्रास में एक IITM IBM क्वांटम इनोवेशन हब जो है वो स्थापित करने का लक्ष्य ऑलरेडी रखा जा चुका है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि 5 जो राज्य हैं हमारे वहाँ पर कई सारे जो समुदाय हैं उनको ST का दर्जा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, कि वहाँ पर कई सारी जातियाँ ऐसी हैं जिनको कि शेड्यूल ट्राइब का, किसका, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए, ये सरकार के द्वारा कहा गया है। तो 5 राज्यों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले हम कुछ टेक्निकल चीज़ें देखते हैं कि भाई ये ST का दर्जा किन को दिया जाता है। तो देखिए ST का दर्जा, हालांकि ये कभी डेफिनेशन संविधान में नहीं दी गई है कि किसको हम ST मानेंगे, लेकिन शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों में अंतर होता है। शेड्यूल ट्राइब्स क्योंकि जो है जंगलों में वनवासी की तरह रही हुई हैं, तो इनके पास एक सोशल एक्सक्लूजन है, इनको समाज ने बहिष्कृत नहीं किया है, इनमें सोशल इंक्लूजन ऑटोमेटिकली है क्योंकि ये जो है वो समाज से अलग रहते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं रहते हैं, तो जंगलों से इनको मतलब लगाव होता है, और कई जो कम्युनिटीज़ है वो घुमंतु भी इसके अंदर रहती हैं, तो इसलिए इनको शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि भील है हमारे यहाँ पर, मीनार जो ट्राइब आती है वो सब जो है शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। SC के अंदर क्योंकि समाज में रहते हुए इनके साथ में छुआछूत और अन्य प्रकार के जो प्रताड़नाएं हैं वो हुई हैं, इसलिए इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। संविधान में कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं है, हालांकि जो आर्टिकल 366 है, अनुच्छेद 366 है, वो ये कहता है कि भाई शेड्यूल ट्राइब्स जो है उसकी क्या डेफिनेशन होगी वो आपको आर्टिकल 342 में मिलेगी, ये कहता है। अभी हमने पीछे आर्टिकल 341 पढ़ा था, याद है आपको, 341 जो है आपका शेड्यूल कास्ट से संबंधित है और 342 जो है आपका शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, तो इसके तहत इन्होंने कहा है। दूसरी बात ये कही है कि आर्टिकल 342 में राष्ट्रपति के पास में और गवर्नर के पास में ये पावर होती है कि वो अपने क्षेत्र से जो है किसी भी जाति को जो है किसी भी समुदाय को, जाति नहीं कहेंगे, किसी भी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब बनाने के लिए जो है उसका जो है रिकमेंडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और देखिए रिकमेंडेशन का प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर ने नोटिफाई किया है कि भाई इनको जो है वो हमको शेड्यूल ट्राइब्स में जो है वो इंक्लूड करवाना है, तो स्टेट की तरफ से जब ये आती है
तो ये स्टेट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को जो है इस जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो अपने रजिस्ट्रार जनरल को जो है अप्रूवल के लिए इसको देती है, और फिर जो है इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स या जो भी शेड्यूल कास्ट होती है उनके पास में इसको भेजा जाता है, और फिर इसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसका। और भी अगर मैं आपको चीज़ें बताऊँ तो अगर आपने शेड्यूल्स पढ़ी हों, अनुसूचियाँ पढ़ी हों, तो शेड्यूल जो है आपकी फिफ्थ शेड्यूल जो है, पाँचवीं जो अनुसूची है, वो कहती है कि भाई जितने भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये मैंने AMTM करके याद रखा हुआ है, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों को छोड़ करके जितने भी आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो राज्य आते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर जो भी प्रशासनिक कार्य है इन चारों AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम से संबंधित जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका जो प्रशासन है वो जो है वो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आता है, उसका डेफिनेशन सिक्स्थ शेड्यूल में आता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो हैं वो आपके शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है मैंने आपको बताई। आर्टिकल 366 के बारे में ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 342 के बारे में ध्यान रखिएगा, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल जो है उनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि हमारे देश के अंदर जो है जो आपकी जनजातियाँ हैं जो हमारी शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो कितनी हैं, लगभग 10 करोड़ के लगभग हैं, जो कि हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है उसका 8% के लगभग है। हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसका 8% क्या है, हमारे यहाँ पर जो है वो जनजातियाँ हैं। अब देखिए एक चीज़ और कि हमारे यहाँ पर अब तक जो है 705 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स नोटिफाइड हैं, जो कि अब बढ़कर 720 हो जाएंगी, ठीक है। तो 15 जनजातियों को अप्रूवल दिया गया है जिनको कि जो है शेड्यूल ट्राइब्स में डाला गया है। देखिए छत्तीसगढ़ से 12 समुदाय हैं, इनके नाम आप देख लीजिएगा। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नाम भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि RS के अंदर तो नाम वगैरह जैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा जैसे कि कोंड है तो ये आप पढ़ लीजिएगा, कैसे कोंड उड़ीसा के अंदर भी देखे जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कोंड रहते हैं इनको भी इन्होंने जो है वो इंक्लूड किया है। फिर समरा है, सौरा है, धांगड़ है, बिंजिया है, और हिमाचल प्रदेश में हट्टी जो समुदाय है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तमिलनाडु में जो है किरु विकरण जो है उसको इंक्लूड किया है। कर्नाटका में बेटा कुरुबा, और उत्तर प्रदेश में गोंड और धुरिया, गोंड की जो उपजातियां हैं धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, इनको जो है इंक्लूड किया गया है। तो ये 15 जो आपकी जनजातियाँ हैं इनको इन्होंने इंक्लूड किया है किसमें, जो आपका जो ST का जो दर्जा है वो इसको इन जनजातियों को दिया जाएगा। अब देखिए दर्जा मिलने से आखिरकार होता क्या है, क्यों इनको ST का स्टेटस चाहिए। ST का स्टेटस मिलने से देखिए ST को मिलने वाली जितनी भी योजनाएं होती है उनका इनको लाभ मिलेगा, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है, 10th के बाद में जो स्कॉलरशिप मिलता है वो इनको मिलेगा, फेलोशिप जो नेशनल फेलोशिप होती है वो इनको मिल जाएगी, रिजर्वेशन जो इनको मिलता है वो भी इनको मिलेगा। उसके अलावा आप देखिए कि प्रधानमंत्री वन धन योजना चलाई गई है जो इन्हीं लोगों के लिए, ST के लिए, समुदाय के लिए है, वो उसमें भी इनको शामिल किया जाएगा। ट्राइफेड जो है, ट्राइफेड का नाम याद रखिएगा, ट्राइफेड पे क्वेश्चन भी आ सकता है, ट्राइफेड जो है वो जो योजनाएं चलाता है वो भी, उसमें भी इनको इंक्लूजन जो है वो दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो इनको मिलेंगी, इसलिए जो है लोग कहते हैं कि हमको जो है इसमें नोटिफाई कराया जाए। तो किसी भी जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि भाई इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म से धर्म में जो कन्वर्ट हुए हैं दलित, उनको भी जो है लाभ चाहिए, तो इसीलिए वो पिटीशन दायर करते हैं। उसी प्रकार से जो ये समुदाय हैं इनकी भी काफ़ी समय से डिमांड रही होगी और इसीलिए इनको जो है वो इंक्लूड किया गया है ST समुदाय के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रही थी, जो मैंने कन्वे करना चाहे आपको। अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जो है, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के जो एस्टिमेट्स आए हैं उनको हमको देखना है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बात है नहीं, टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमको देख लेनी है, टेक्निकली फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमको देख लेनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान है यानी कि जो नेशनल हेल्थ के जो आंकड़े हैं ये 2018-19 के हैं, और इनका कंपैरिजन इन्होंने किया है 2013-14 से। तो आप 2022 में ये रिलीज़ हुए हैं, तो आप ये मत मानिएगा कि 2022 के आंकड़े हैं, काफ़ी जो है पुराने आंकड़े हैं, मतलब 2018-19 के आंकड़े हैं। तो आप देखिए इसके अंदर क्या क्या कहा गया है। तो इसमें कहा है कि भारत ने कुल GDP में जो सरकारी स्वास्थ्य खर्च होते हैं यानी कि सरकार जो स्वास्थ्य पे खर्चा करती है उसमें 2013-14 के मुकाबले जो है वो वृद्धि हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है जब पहले पॉपुलेशन भी कम थी और इस प्रकार की बीमारियां भी नहीं थी तो खर्च कम ही होगा, और अब जो है वो खर्च ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो 2018 में ये बढ़ करके 1.28% जो है खर्चा बढ़ा है। तो और फिर देखिए इसमें और क्या चीज़ है कि स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 28% से बढ़ाकर जो है वो 40% जो है वो सरकार ने किया है।
फिर देखिए और क्या चीज़ें कह रहा है कि प्रत्येक प्रति व्यक्ति जो सरकारी स्वास्थ्य खर्च है, प्रति व्यक्ति पे जो सरकार खर्च करती है, वो 2013-14 में 1042 रुपये हुआ करता था, जो कि 2018-19 में 1815 रुपये हो गया है। यानी कि 74% की वृद्धि जो है वो इसी में दर्शाई गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य जो सेवाएँ हैं उसके अंदर भी देखिए काफ़ी वृद्धि की गई है। जो प्राइमरी आपके हेल्थ केयर होते हैं उसमें 55.2% जो है उसकी वृद्धि की है, जैसे कि यहाँ पर देखिए। और द्वितीयक और जो प्राथमिक और द्वितीयक जो सेवा में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 74% से बढ़ाकर 86% जो है वो हो गई है। फिर देखिए कि आउट ऑफ पॉकेट खर्च जो है, यानी कि कुल स्वास्थ्य व्यय में जो लोगों की तरफ से जो खर्चा होता है उसमें भी वृद्धि हुई है। यानी कि 64.2% की तुलना में 48.2% जो है वो 2% जो है ये रह गया है, यानी कि कम हुई है, सॉरी, इसमें जो है वो कम हुआ है, कि ये जो है 64.2% हुआ करता था जो कि अब 48.2% हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ जो है आपके आंकड़े हैं, आप चाहें तो इनको समझ सकते हैं, बाकी कुछ एग्ज़ाम में आए उसकी संभावना थोड़ी सी कम है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी जो एस्टिमेट्स आए हैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई हेल्थ पे सरकार के द्वारा खर्चा कितना परसेंट बढ़ा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 1.28% जो है वो 2018-19 में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर व्यक्ति कितना खर्च बढ़ा है, तो जो उसके अंदर 1042 से बढ़ करके जो है वो जो है कितना हुआ था, 1042 रुपये जो 2013-14 में खर्च होते थे वो 1815 रुपये जो है वो हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बाकी आंकड़े जो है आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर देखिए, बिहार में रबर डैम जो है उसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे देश का पहला रबर डैम नहीं है। पूरे देश में सबसे पहली बार 2006 के अंदर रबर डैम बना था, और वो आंध्र प्रदेश के अंदर जो झंझावती नदी है उसके ऊपर इसको बनाया गया था। अभी ये जो रबर डैम है ये बिहार में बना है, और बिहार की जो नदी है फल्गु नदी, फल्गु नदी के बारे में आपने सुना होगा कि माता सीता ने इसको श्राप दिया था कि ये हमेशा इनलैंड ही रहेगी, यानी कि अंत सलीला रहेगी, दिखेगी नहीं। तो फल्गु नदी जो है उसके ऊपर इस डैम को जो है बनाया गया है, और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, उन्होंने इसका नाम जो है वो गयाजी डैम रखा है, क्योंकि ये जो डैम है वो गया के अंदर बना है, जो बिहार का गया जो शहर है वहाँ पर जो है इसको बनाया गया है। और हैदराबाद की कंपनी है जिसका नाम है NCC लिमिटेड, उसने इसका निर्माण किया है। अब देखिए कुछ डैम के बारे में पढ़ते हैं कि भाई कौन सी टेक्निक है जो इस रबर डैम में यूज़ की जाती है। तो देखिए, ये कंक्रीट की जो नींव होती है, जो हमारे यहाँ पर नींव डलती है कंक्रीट वाली, उस नींव के अंदर ऊपर ही इसको खड़ा किया जाता है। रबर ब्लैडर की ही बांध, जिसमें एक रबर ब्लैडर ही बांध और स्पिलवे का जो है वो काम करता है। रबर ब्लैडर में हवा, पानी या दोनों के मिक्सचर को भरा जाता है। इस ब्लैडर का निर्माण इथिलीन प्रोपाइल डाइन मोनोमर रबर से जो है वो किया जाता है, जो कि बुलेट प्रूफ होता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें स्पिलवे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें छोटा या बड़ा जो है इस डैम को किया जा सकता है। तो ये कुछ इसकी जो है वो बातें हैं रबर डैम की, ये इसके फ़ायदे होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि आंध्र प्रदेश में पहली बार जो है रबर डैम बना था, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे कि भारत का पहला रबर डैम बना है, नहीं, ये बिहार में बना है और भारत का पहला आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी बन चुका है। फिर हम जो है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के बारे में देख लेते हैं, इसका उद्घाटन किया जा चुका है। सो फ्रेंड्स, ये जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, ये आपने देखा होगा काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था, और काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी आलोचना भी की गई थी। इसके तहत राष्ट्रपति भवन और जो संसद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्र, उपराष्ट्रपतियों के जो आवास हैं, जो घर होते हैं, उन सभी का जो है रिनोवेशन किया जाएगा, नए तरीके से जो है उनको डेवलपमेंट किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए जो है वो भी एलोकेटेड किए थे। तो अभी उसका उद्घाटन किया गया है, और उद्घाटन में आप यूट्यूब पर देखिएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रखी है। तो उसमें जो रीडेवलपमेंट किया है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ जो है उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। तो पहले चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने चेंजेस जो है वो किए हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ देखिए कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट तक के रास्ते को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। पहले इसका नाम राजपथ था, लेकिन अब इसका नाम कर्तव्य पथ जो है वो रखा गया है। फिर उसके बाद में जो राजपथ के साथ बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर हर राज्य के फूड स्टॉल, रेड ग्रेनाइट से बना फुटपाथ, चारों ओर हरियाली होगी। इसके साथ ही यहाँ पर वेंडिंग जोन और पार्किंग लॉट भी जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो काफ़ी जो है इसका डेवलपमेंट यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। अगर आप देखिए कि पहले जो है 125वीं जयंती जब आई थी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को, तब यहाँ पर एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। पराक्रम दिवस भी 23 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अब यहाँ पर जो है ग्रेनाइट की ब्लैक कलर की मूर्ति ऑलरेडी स्थापित की जा चुकी है। यहाँ पर जो है नेताजी के जीवन पर 10 मिनट का ड्रोन शो भी आयोजित किया गया था इंडिया गेट पर।
तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की है। और देखिए यहाँ पर मूर्ति के बारे में है कि जेट ब्लैक ग्रेनाइट की प्रतिमा है, 28 फीट ऊंची है और इसे इंडिया गेट के निकट जो छतरी है उसमें स्थापित किया गया है। 280 मीट्रिक टन वजन वाला जो ये एकाश्म पत्थर है, मोनोलिथिक स्टोन है, उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। पारंपरिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके इस मूर्ति को जो है वो हाथों से तराशा गया है। और उसके अलावा तो कुछ खास बातें हैं नहीं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कर्तव्य पथ के बारे में और जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई है उसके बारे में। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में भारत के 3 शहर जो है उनको शामिल किया गया है। कौन कौन से 3 शहर हैं? तो 2 तो केरला के हैं, त्रिशूर और नीलांबूर, और 1 तेलंगाना का है जिसका नाम है वारंगल। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, कंठस्थ कर लेने हैं। 2 केरला से है, 1 तेलंगाना से है, केटी के शहर हैं। ठीक है, केरला से है त्रिशूर और नीलांबूर, और 1 वारंगल है जो कि तेलंगाना का शहर है। तो इसको यूनेस्को ने अपनी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ जो है उसमें शामिल किया है। इसमें जो है इसने 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया, जिसमें से 3 भारत के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नीलांबूर के बारे में देखिए क्या है कि नीलांबूर यह केरल का प्रसिद्ध इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जहाँ पर ग्रामीण और शहरी रहन सहन का एक मिश्रित स्वरूप जो है वो देखने को मिलता है। त्रिशूर ये केरला की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, जो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च कॉलेजेस हैं। इसे विशेष रूप से स्वर्ण कला और आभूषण उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। वारंगल की बात करें तो ये भी एक सांस्कृतिक विरासत स्थल है, और यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल भी शामिल है। अब देखिए कि सूची में 2022 में शामिल विश्व के अन्य प्रमुख शहर है कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका का शहर है, और शारजहाँ जो कि यूएई का शहर है। तो ये प्रमुख शहर है जिनको कि शामिल किया गया है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, तो वो देख लेते हैं कि प्रेरणा, जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं का नेटवर्क, जिसको कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ कहा जाता है, इसको 2013 में प्रारंभ किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रमुख नेटवर्क है और यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग के द्वारा इसको समन्वित किया गया है। और इसमें जो है यह नेटवर्क जो है सभी 17 जो आपके SDGs होती हैं उनकी उपलब्धियों, विशेष रूप से जो SDG 4 और SDG 11 है उसका समर्थन ये नेटवर्क करता है। तो आप तो इतना ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को की जो लर्निंग सिटीज़ है उसमें 3 सिटीज़ हमारे इंडिया की शामिल है, और बस ये आपको ध्यान रखना है। और फिर देखिए यहाँ पर त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल इस सूची में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तेलंगाना के लिए यूनेस्को की दूसरी मान्यता है। इससे पहले मुलुगु जिला का रामप्पा मंदिर जो है विश्व धरोहर स्थलों के अंदर शामिल हो चुका है। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, इस पर तो UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि ये देश के पहली बार जो है 3 शहर इसके अंदर शामिल किए गए हैं। फिर देखिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात पोषण अभियान योजना लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पोषण अभियान जो है इसमें कई सारी चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है कि भाई बच्चों को माल न्यूट्रिशन का लेवल क्या है बच्चों का, उसके अलावा उनको टीकाकरण प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पोषण अभियान के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है कि भाई पोषण अभियान के तहत क्या क्या कार्य हुआ, किसकी क्या रैंकिंग है, कौन सा राज्य अच्छे काम कर रहा है। तो उस रिपोर्ट का नाम है भारत में पोषण के स्तर पर प्रगति का संरक्षण, महामारी के समय पोषण अभियान। तो ये इसका टाइटल है, और इसके तहत इन्होंने कहा है कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं उसमें उन्होंने देखिए कहा है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में जो टॉप कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात MAG इन्होंने टॉप किया है। उसके अलावा छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम ने इसमें टॉप किया, और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दादर और नागर हवेली और दमन दीव जो है जो कि एक ही कर दिए गए हैं, इनको जो है टॉप कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डिजिटल कौशल के प्रोत्साहन के लिए जो AICTC है इसने एडोब के साथ में समझौता किया है। तो देखिए जो भारत का AICTC है यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ये जो डिजिटल जो कौशल है, डिजिटल जो स्किल है इसको बढ़ाने के लिए एडोब के साथ में इन्होंने समझौता किया है, ताकि जो स्किल्स हैं उनको बच्चों में और ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जा सके। इनका उद्देश्य ये है कि 2024 तक आवश्यक डिजिटल रचनात्मक कौशल और 10,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में 75,000 से अधिक शिक्षकों को जो है सशक्त बनाया जाए, ताकि वो जो है डिजिटल लिटरेसी को बच्चों में ट्रांसफ़र कर सके। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि डिजिटल कौशल के प्रोत्साहन के लिए AICTC ने किसके साथ में समझौता किया, तो एडोब के साथ में इन्होंने समझौता किया है। फिर देखिए एशिया प्रशांत की शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बेंगलुरु को जो है सेकेंड पोजिशन पर रखा गया है, देखते हैं इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक रिपोर्ट है जो कि कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है टेक सिटीज़ द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। नाम क्या है?
टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। ये एक रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है उसमें अगर टेक्निकली और जो रोजगार प्रदान करने वाली जो सबसे ज़्यादा बड़ी संस्थाएं होती है वो कहाँ पर है, तो बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ पर है, चाइना में है। तो फर्स्ट स्थान तो बीजिंग को मिला है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि सेकंड स्थान इन्होंने पूरे एशिया प्रशांत में बेंगलुरु को दिया है। तो आप जानते हैं कि बेंगलुरु तो वैसे भी हमारे यहाँ पर हाईटेक सिटी है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इंजीनियर्स वहाँ पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 14 मानदंड थे, यानी कि इसके मेजर्स थे जिसके आधार पर इसको जो है वो बताया गया है, और कहा है कि भाई एशिया प्रशांत में बीजिंग के बाद में बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र है, यानी टेक्नोलॉजी हब जो है वो जो है बीजिंग के बाद में हमारे भारत के ही आते हैं पूरे एशिया प्रशांत के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI। ये तो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हाल ही में इस पर जो है प्रतिबंध लगाया है, कहा सरकार ने ये कहा कि कथित रूप से इसमें आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता और ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंध जो है वो इसमें पता किया गया है। नाम है इसका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके जो सहयोगी संगठन है इनको गैरकानूनी घोषित किया है, 5 वर्ष तक का इनका ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपने कई सारे एक्ट भी पढ़े होंगे, UAPA एक्ट जो होता है, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट वगैरह, तो इनके तहत जो है इन संस्थाओं को गैरकानूनी घोषित किया जाता है। तो देखिए इनके जो ठिकाने वगैरह हैं यहाँ पर छापेमारी भी हुई थी, न्यूज़पेपर में तो काफ़ी बड़ा जो है इसके ऊपर आर्टिकल जो है वो देखने को मिला था, PFI के ठिकानों पर छापा वगैरह पड़ा है NSI के द्वारा। फिर देखिए आतंकवादी रोधी कानून जो है इसके तहत प्रतिबंधित संगठनों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट और एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रीहैब फाउंडेशन केरल के नाम जो है वो शामिल हैं। तो ऑलरेडी इन संस्थाओं के नाम इसमें शामिल हैं, तो इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर देखिए इसमें PFI जो है वो आपका 2006 के अंदर अस्तित्व के अंदर जो है वो आया था और यह संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके जो है वो बनाया गया था। UAPA के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसको जो है गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कहा गया है और यह कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को जो है वो रोकना है। फिर नेक्स्ट देखिए नाइट स्काई सेंचुरी, ये क्या है इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए भारत सरकार जो है उसका जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है DST जो डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि नाइट स्काई सेंचुरी हम बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे, लद्दाख के अंदर बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ पर बनेगी, लद्दाख के अंदर जो है वो आपकी नाइट स्काई सेंचुरी बनेगी। लद्दाख में भी कहाँ बनेगी, तो लद्दाख का एक जिला है जिसका नाम है हनले, वहाँ पर इसकी एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर जो है इसको बनाया जाएगा। इसको डार्क स्काई रिजर्व भी कहा जाएगा, डार्क स्काई रिजर्व भी इसको जो है वो कहा जाएगा। और इसको बनाने के लिए जो है आपके एक तो लद्दाख में जो आपका है क्या कहते हैं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह के अंदर भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, इन सबके बीच में और जो भारत सरकार है DST का जो विभाग है हमारा, इन तीनों के बीच में एक समझौता पर हस्ताक्षर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब देखिए ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ये चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में हनले में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों में से होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त हनले इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लद्दाख का सबसे ठंडा रेगिस्तान है और किसी भी प्रकार की मानवीय बाधाओं से ये दूर है और यहाँ पूरे वर्ष आसमान जो है वो साफ रहता है और शुष्क मौसम की स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद रहती है, इसलिए यहाँ पर नाइट स्काई सेंचुरी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका वीडियो असिस्टेंट रेफरी के लिए VAR। तो ये क्या है, ये जो है भारत में खेले जाने वाले FIFA Under-17 महिलाओं का विश्व कप में पहली बार जो है इसका उपयोग किया जाएगा। तो विश्व फुटबॉल संघ की जो संचालन संस्था FIFA इसके द्वारा जो है ये जानकारी दी गई है कि हमारे यहाँ पर जो Under-17 जो महिलाओं का विश्व कप होगा फुटबॉल का उसके अंदर वीडियो असिस्टेंट रेफरी का यूज़ किया जाएगा। और ये जो आपका Under-17 जो महिलाओं का विश्व कप है ये 11 से 30 अक्टूबर को आयोजन हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम के अंदर जो है इसको भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम, मड़गांव के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई जो है स्टेडियम जो है वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। तो पहली बात यही याद रखनी है कि Under-17 महिलाओं का विश्व कप भारत में आयोजित हो रहा है। अब देखिए ये जो है तीसरा विश्व कप है जो कि भारत में जो है तीसरा फीफा महिला टूर्नामेंट होगा जिसमें VAR का इस्तेमाल किया जाएगा, VAR का इस्तेमाल किया जाएगा इसलिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कोस्टा रिका 2022 में और जो है
फ्रांस में जब आयोजित हुआ था तब भी इसका यूज़ किया गया था। लेकिन आप इसको ये याद रखिएगा कि ये पहली चीज़ तो कि अंडर 17 जो ये विश्व कप है महिलाओं वाला, ये हमारे यहाँ पर हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। और उसके अलावा जो है इसके अंदर पहली बार जो है वीडियो असिस्टेंट रेफरी का यूज़ जो है वो किया जाएगा। फिर किबूथू के बारे में क्या न्यूज़ है तो हम देख लेते हैं। तो किबूथू जो है चीन के साथ वास्तविक जो हमारी नियंत्रण रेखा है उस पर जो है, तो यहाँ पर देखिए कि जो जो हमारे CDS रहे हैं, जो कि जो स्वर्गीय CDS हैं जनरल बिपिन रावत, वो पहले किबूथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना बॉर्डर के ऊपर है, तो उसके अंदर जो गोरखा राइफल्स थी उसके अंदर ही सबसे पहले उनका जो है वो पोस्टिंग हुई थी। तो अभी उन्हीं के नाम पर जो यहाँ पर किबूथू आर्मी कैंप है उसका नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया और वहाँ एक सड़क का नाम भी जो है वो इनके नाम पर रखा गया। तो इतना इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर देखिए करगिल इग्नाइटेड माइंड्स ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। करगिल इग्नाइटेड माइंड्स क्या है तो देखिए फ्रेंड्स, जो HPCL है आप जानते हैं कि ये जो कंपनियां होती है अगर इनका एक निश्चित टर्नओवर होता है तो इनको CSR जो है उस फंड में कंट्रीब्यूशन करना होता है, यानी कि इनकी कुछ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की है कंपनी एक्ट के तहत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो HPCL है उसने कहा है कि हम CSR परियोजना के तहत कारगिल के अंदर जो कारगिल लद्दाख में पड़ता है, तो लद्दाख में जितने भी वंचित छात्राएँ हैं उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए भारतीय सेना के साथ में हम एक कोलैबोरेशन करेंगे और इन बच्चों को जो है आगे पढ़ने के लिए हम फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस परियोजना के तहत क्या कहा गया है कि करगिल इग्नाइटेड माइंड्स का नाम इस परियोजना को दिया गया है। इस परियोजना के तहत करगिल क्षेत्र की 50 छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने के लिए तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। 2021 में हालांकि इसको स्टार्ट कर दिया गया था और इसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शैक्षणिक प्रशिक्षण जो है वो मुहैया कराना। तो ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा करगिल इग्नाइटेड माइंड्स क्या है, तो जितने भी यहाँ लद्दाख क्षेत्र की जो बच्चे हैं उनको जो है आगे जाके जो है छात्राएं जो है उनको प्रशिक्षण जो है वो देना, ये इसका काम है। HPCL ने इसको तैयार किया है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है, तो राज्य के 32वें जिले के रूप में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और 33वें जिले के रूप में शक्ति का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, तो प्रदेश में जिलों की संख्या 33 हो गई है, हमारे यहाँ की तरह राजस्थान की तरह वहाँ पर भी कितने जिले हो गए, 33 जिले जो है वो हो गए हैं। फिर देखिए गोगरा हॉट स्प्रिंग ये कहाँ पर है, तो भारत और चीन के मध्य विगत 2 वर्षों से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में जो वास्तविक यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोल पॉइंट जो PP-15 है से भारत और चीनी सैनिक जो है वो पूर्ण रूप से पीछे जो है वो हट चुके हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये चर्चा में था गोगरा हॉट स्प्रिंग ये कहाँ पर है, तो बॉर्डर के ऊपर है और दोनों देशों की सेना के मध्य बनी सहमति के बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के इस क्षेत्र से हटने की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। तो ये था गोगरा हॉट स्प्रिंग के बारे में। फिर देखिए कि ये क्षेत्र का नाम ध्यान रखिएगा कि हाल ही में चर्चा में ये क्षेत्र कहाँ पर किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चाइना के बीच गतिरोध का कारण ये भी बना था। फिर देखिए मास्टर कार्ड जो है उसने अभी BCCI के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसने कहा है कि भाई जो वैश्विक भुगतान और प्रौद्योगिकी कंपनी है ये जो मास्टर कार्ड है, तो स्वदेश में होने वाले जितने भी इंटरनेशनल मुकाबले होंगे तो उसके अंदर जो है ये प्रायोजक ये प्रमोटर्स जो होता है ना उसके रूप में ये कार्य करेगा। तो PTM का इसने स्थान लेकर लिया है मास्टर कार्ड ने, तो खुद की पॉपुलैरिटी के लिए इसने जो है BCCI के साथ में ये अनुबंध जो है वो साइन किया है। सो फ्रेंड्स, आज हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाले के अंदर जो है हम पढ़ेंगे हमारा आर्थिक परिदृश्य को हमको पढ़ना है, साइंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसको हमको पढ़ना है और उसके बाद हम आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में और पूरा वीडियो देखा कीजिए और प्लीज़ आप डाउनलोड मत किया कीजिए उसको, आप उसको अगर ऑनलाइन देखेंगे तो जो है उसमें मिनट्स जो है मेरे उसमें काउंट होंगे, तो आप उसको अगर जो है आपको उसको डाउनलोड नहीं करना है, आप उसको जो है ऑनलाइन ही देखें वीडियो को। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उनके जवाब जल्दी दूंगी, मेरे को अभी थोड़ा सा क्योंकि घर की सफाई चल रही है टाइम का थोड़ा इशू रहता है, तो जल्दी मैं उसको भी आपको आंसर करूँगी, डोंट वरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।